बिहार के लिए ये गौरव की बात है कि बिहार की बेटी ने अमेरिका में सीनेट पद की शपथ ग्रहण की है। दरअसल बिहार के मुंगेर जिले में जन्मी मोना दास अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के 47वें जिले की सीनेटर चुनी गई हैं। उन्हें यह सफलता पहली ही कोशिश में मिली है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य मोना दास ने अमेरिकी सीनेट में धर्म ग्रंथ गीता को हाथ में लेकर पद की शपथ ली। मोना दास ने सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में स्नातक किया है। मोना दास ने भारतीय संस्कृति के अनुसार गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया। मोना ने अपने संदेश में कहा कि एक लड़की को शिक्षित करके आप पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित कर देते हैं। निर्वाचित सदस्य के रूप में मोना दास का कहना है कि वो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती रहेंगी। मोना दास ने अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए कहा है कि वो चाहती है कि एक दिन वो अपने पैतृक घर बिहार के मुंगेर जिले में जाए। इसके साथ ही मोना दास भारत के दूसरे हिस्सों में भी घूमने की इच्छा रखती हैं। आपको बता दें कि मोना का जन्म 1971 में बिहार के दरभंगा के अस्पताल में हुआ था। 8 माह की उम्र में वो माता पिता के साथ अमेरिका चली गई थी। मोना के पिता सुबोध दास इंजीनियर हैं। आपको बता दें कि मोना दास ने सीनेटर चुनाव में 2 बार के रिपब्लिकन सीनेटर जो फैन को हराया। मोना सीनेट हाउसिंग स्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी कमेटी की वाइस चेयरमैन के रूप में काम करेंगी। मोना दास के सीनेट चुने जाने पर गांव के लोग खासे उत्साहित हैं। बिहार तक ने उनके परिवार वालों से बात की। उनके घर वाले और गांव वाले मोना की सफलता पर गदगद हैं। इंडिया का ही जन्म है उनका। उसके बाद उनका पापा लोग चले गए अमेरिका, तो वहीं रह गए और मोना वहीं पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उनका पापा बहुत बड़ा इंजीनियर है अमेरिका में, सुबोध दास, और मोना भी वहाँ वहीं रह करके पढ़ी। वहीं शादी ब्याह उनका, वहीं का सब कुछ हुआ। मोना बहुत पहले आई थी, बहुत दिन पहले आई थी। उनका चाचा लोग आते हैं, मोना के दादा से हमको बराबर बातचीत, हाल समाचार होते रहता है। बेटी अमेरिका में जाकर नाम रोशन की है और राजनीतिक क्षेत्र में इतने बड़ा पद हासिल की है, इससे यहाँ का सारा परिवार को बहुत खुशी है और सब लोग यहाँ करके हर बेटी राजनीतिक में अग्रसर हो, यह हमारी उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि हर बेटी जाकर अमेरिका में इस तरह नाम रोशन करे, इससे देश का भी नाम रोशन होता है। आपको बता दें कि मोना के इस जीत से गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, लोगों के साथ मोना के परिवार का पुराना जुड़ाव रहा है। मोना के दादा दरभंगा, भागलपुर और गोपालगंज में सिविल सर्जन पद पर सेवा दे चुके हैं। उन्होंने रिटायर होने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए मोना के पिता वक्त निकालकर गांव आते रहते हैं और लोगों से उनका मिलना जुलना लगा रहता है। मतलब अनुभव अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है हम लोग कि अब मेरी गांव का परिवार का एक सदस्य नेता बन गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी यहाँ की लड़की, यहाँ क्षेत्र की यहाँ की बेटी होके विदेश में जाके अपना नाम रोशन की, हमारे गांव दरियापुर का नाम रोशन की। डॉक्टर साहब का यही सोच था कि यहाँ की बेटी पढ़े, इसलिए वो वहाँ से चंदा ले लेकर यहाँ स्कूल बनाए, सब लड़की को पढ़ाए, सिलाए सिखाए। इस क्षेत्र में स्कूल में हम भी शुरू से हैं, सब पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ी। अमेरिका में पली बड़ी मोना दास भविष्य में भारत आना चाहती है। मोना पीएम मोदी की फैन है। आपको बता दें कि जब मोना ने अपने पद की शपथ ली तो उन्होंने अपने हाथों में गीता ले रखा था और शपथ लेने के बाद उन्होंने भारत माता जय के नारे भी लगाए। मोना दास की इस सफलता पर बिहार तक की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।